बजट को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बजट में सिर्फ सहयोगी पार्टियों के राज्यों को ही अहमियत देते हुए बाकी राज्यों की अनदेखी की है। तमाम विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों के जरिए सरकार की मुखालफत की है। वहीं अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। राउत के बयान से सियासी पारे का बढ़ना तय माना जा रहा है। बजट पेश होने के बाद से ही मोदी सरकार को लगातार विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस बजट को पीएम मोदी ने एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में गैर बीजेपी राज्यों की अनदेखी की गई है, तो वहीं सहयोगी दलों के राज्यों को अहमियत मिली है। आए दिन इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच अब शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। राउत ने पीएम मोदी पर आंध्र और बिहार को फिरौती देने का आरोप लगाया है। चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर हमारे यहाँ खंडनी बोलते हैं देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। वीडियो में राउत दावा कर रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम ने बजट के रूप में आंध्र और बिहार को फिरौती देने का काम किया है। वहीं राउत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंध्र और बिहार को खुश करने का काम किया है। अपने तल्ख लहजे के लिए जाने जाने वाले संजय राउत के इस बयान पर हंगामा होना तय है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल भी मोदी सरकार पर बजट के राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच राउत ने यह बयान देकर राजनीतिक पारे को बढ़ाने का काम कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।